और सीहोर से बड़ी खबर है, सृष्टि को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है। बारिश और आंधी तूफान ने मुसीबतें बढ़ाई हैं। रोबोटिक आर्म के जरिए रेस्क्यू की कोशिश हो रही है। 100 फीट पर पानी और कीचड़ से परेशानी झेली पड़ रही है। गुजरात से आए महेश अहीर रोबोटिक रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी जुटी हुई है। रोबोटिक कैमरे पर कीचड़ के चलते ऑपरेशन 3 बार रुका है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सीहोर से। बच्ची को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। कोशिशें लगातार जारी हैं और अब रोबोटिक टीम कोशिशों में जुटी है। हालांकि पहले से एनडीआरएफ की टीम, सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आशा की जानी चाहिए जल्द ही बच्ची बाहर आए। हालांकि लंबा वक्त गुजर चुका है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में बारिश और आंधी तूफान ने परेशानी बढ़ाई है। रोबोटिक आर्म के जरिए रेस्क्यू की कोशिशें हो रही हैं। 100 फीट पर पानी और कीचड़ से परेशानी है। गुजरात से आए महेश अहीर अब रोबोटिक रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी जुटी हुई है। रोबोटिक कैमरे पर कीचड़ के चलते बताया जा रहा है कि ऑपरेशन 3 बार रोका गया। पूरा रही है। तो तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आंधी और बारिश ने परेशानी बढ़ा दी रेस्क्यू टीम की। हालांकि रेस्क्यू लगातार जारी है और जो रोबोटिक कैमरा है उस पर चूंकि कीचड़ आ गया था, इसके चलते बीच में 2 बार रोका भी गया ये रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रयास अभी भी जारी हैं 3 साल की सृष्टि को बाहर निकालने के। वक्त जरूर काफी लंबा हो गया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का।